त्योहार मनाओ संस्कृति बचाओ कार्यक्रम के तहत धूमधाम से गणपति विसर्जन व गणेश महोत्सव मनाया गया। गणपति विसर्जन में लोगों के भारी हर्षोल्लास ने पूरे माहौल को भगवा में कर दिया एवं शिवसेना ने पार्क में ही एक बड़े टब में गंगा जल भर गणपति विसर्जन कर समाज को पूजनीय मूर्तियों का सम्मान करने व नदियों को प्रदूषित न करने का संदेश भी दिया। रिपोर्ट आकाश देव। कार्यक्रम की पूरे महानगर में ही बधाइयाँ और अपने महानगर में कुशाल नगर क्षेत्र में न्यू कुशाल नगर में गीतापुरम में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे क्षेत्रवासियों ने सभी संगठनों के लोगों ने एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को खूबसूरती के साथ करा। हमारे बड़े भाई नरेंद्र सिक्का जी, हमारे छोटे भाई भरत अरोड़ा जी, विशाल भाटिया जी, उदेश भाटिया जी, विशाल जी, कथुरिया जी, ये सब लोगों ने बहुत, एक तो सबसे खुशी की बात ये कि हमारे क्षेत्र से एक बच्चा खो गया था उसको लेकर के भी सभी लोगों के मन में था कि इस बार गणपति का कार्यक्रम कैसा होगा, लेकिन हम सब लोगों सबको पूर्ण रूप से विश्वास था कि भगवान जो है हम लोगों के यहाँ खुशियों के साथ आएंगे और वो खुशियाँ आई, बच्चा भी आ गया और गणपति जी भी आ गए। उसी को कार्यक्रम को खूबसूरती के साथ आज हम सब लोगों ने करा और लोगों ने खुशियाँ मनाई और दो दिन अच्छा था कार्यक्रम। कल हमारे यहाँ गणपति जी की स्थापना हुई, आज गणपति जी का विसर्जन हुआ और उसमें हम सब लोगों ने खुशी से होली भी मनाई, दिवाली भी मनाई, एक दूसरे को रंग भी लगाए, पटाखे भी छोड़े, मिठाइयाँ भी बांटी और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जितनी खुशी के साथ ये गणपति जी हमारे यहाँ लिए आए हैं, हमेशा हम लोगों के आए, इसे हम खूब मन से मनाएं, धर्म को अधिक से अधिक बढ़ाएं, धर्म बढ़ेगा। आज के गणपति में और पहले के गणपति में क्या खास बात थी? आज के गणपति और हमेशा के गणपति में ये थी, हम सब लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हम लोग हमेशा एक शिवसेना से, मैं हूँ शिवसेना का एक कार्यक्रम रहा है कि जो हमारे देवी देवता हैं या हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन सब लोगों को किसी भी तरह हिंदुओं के अंदर ये प्रवृत्ति आनी चाहिए कि जिन लोगों की हम पूजा करते हैं उनका सम्मान उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा पीछे दिवाली पर हमने एक कार्यक्रम चलाया था, उसमें ये था कि जो हम लोगों के हिंदू परिवारों के लोग भगवान की पूजा करने के बाद कोई पीपल के नीचे कहीं अन्य स्थानों पर रहते हैं फिर उनकी तो वैसी होती है तो बड़ी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इससे भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और गंगा माँ हमारे लिए पवित्र है, जब हम जीवन हमारा होता शुरू और अंत होता वो गंगा जी से ही होता, लेकिन आज गंगा जी प्रदूषित हो रही हैं और गंगा की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सब लोग अपने आराध्य को गणपति जी को वहाँ पर ले जाएँ। और दूसरा हम सब लोगों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि गणपति जी को लाओ अपने सामने ही, अपने परिवार में उनको जिस तरह लाएं उसी तरह परिवार में एक अच्छे सब लोग एकत्रित हो, एक अच्छी जगह उनका विसर्जन हो और वो विसर्जन होने के बाद जो उससे सब चीज़, जैसे कहते हैं ना कि एक किसी अच्छे उसकी अस्थियाँ डाल दो तो वो जीवन भर रहती हैं, उनका यही जल अब हमारे यहाँ जगह जगह हो जाएगा और ये गणपति हमेशा हमारे यहाँ रहेंगे। जय भवानी, जय श्री।